कटुरी रे महिला को आक्रमण अभियोग 18 घंटा थाना घेराउ। जाजपुर मंगलपुर थाना पालटपुर पंचायत बेहरा साहि रे युवकों उन्मुक्त कांड गाँ दांड में भुजाली धरी महिला को हाणवाक गोड़ाइले मल्लिक साहिर हेमंत मल्लिक जार एक भिडियो एवं सोशल मीडिया रे भाइराल होबारे लगी। घटना को केन्द्र कर मंगलपुर थाना सामने काली राति धारणा देखते बेहरा साहि बासिंदा मैंने प्रसाद सेवन को नहीं अघटन देखा मिलता। गत सन्धारू एचाए थाना आगे बस महिला कथा मंगलपुर थाना से दावी को बुझिना आस अभुक्त को गिरफ नक ओलटा पुलिस सुरक्षा देवार अभोग आनी धारण में बस महिला तेज वर्तमान समय जहाँ बड़ खबर आसी पहुंचुची कटुरी में महिला को आक्रमण अभियोग 18 घंटा थाना घेराउ। ए चित्र सामना को आसुची जाजपुर मंगलपुर थाना पालटपुर पंचायत बेहरा साहि। जाजपुर प्रतिनिधि परमेश्वर बेउरिया संपर्क में आलोचना आम सहित फोन लाइन जोड़ परमेश्वर प्रथम तो आपको जानवाक चाहिए पूरा घटना कौन देखो मंगलपुर जो थाना रही पालटपुर पंचायत बेहरा साहि जने युवक गोटे कटुरी धरिकी दुई जन महिला को उपरे आक्रमण करते कारण घटना टी एमती थी कि साहिरे गोटे पूजा चली से प्रसाद सेवन जो समय रे किसी कथा को लेकिन बचत होता तापरे जने युवक सेठी तांकु आक्रमण करबा सहित जने स्थानीय लोक को आक्रमण करिया को पछे नथिले तापरे गाँ लोक माने विरोध करथिले जदि गाँ लोक माने सेमनकु विरोध करबा को विरोध करथिले तार प्रतिफलन रे युवक जनक गोटे कटुई धरिकी तांकु आसे महिला मानकु आक्रमण करबा को आसीथिले एवं तापरे जेतबेले आकु नेकी महिला माने संपूर्ण थाना को जाइथिले एतला दवा पई किंतु थाना रे जे आईआईसी रहिसंदि से एफआईआर ग्रहण करिनथिले जहाँ घंटा घंटा धरिकी से बाध्य थाना बसवाई धारणा देवाई कारण जेहेतु संपृक्त लोक जी रही कटुरी धरिकी जी गोड़े जो युवक जनक पुलिस विपक्ष से एफआईआर रखा प्रस्तुत नाला तेणु करके बाध्य गाँ लोके मंगलपुर थाना सामने पखापाखि दस रु पखापाखि बार रु चौदह घंटा धरिकी से बसवा पड़ा से देखु जिते गणमाध्यम प्रतिनिधि मैंने पहुंची पुलिस कहीं एफआईआर रखुनि बोल कि बारंबार प्रश्न पचारे से रही एसडीपीओ जी से घटनास्थल में पहुंची पहुंचा पर पुलिस बाध्य एफआईआर टी रुजु कर एफआईआर टी रुजु कर घटनार छानबीन करुच्ची पुलिस पक्षर कह सब बड़ कथा हो घटना टी घटी को लेकिन पुलिस स्वीकार करनुवा बेले जिते भिडियो टी भाइराल है से स्थान में जन व्यक्ति जी भिडियो टी जिते प्रकाश कले सोशल मीडिया रे तापरे पुलिस रो चेता पसिला एवं परमेश्वर जो हेमंत मल्लिक जो व्यक्ति को ना सामना को आसुची प्रकृत रे पुलिस काहे के एफआईआर रखु नथिला कोटा कोठी हेमंत को सहित पुलिस रो कोनोसी संपृक्ति रहिछि कि से कोनोसी बड़ अधिकारी को सहित तांकर किछि संपृक्ति रहिछि कि जोंति पई पुलिस कोटा कोठी तांको घंटो गडैबा पई चेष्टा करूछि देखु व्यक्ति जनक कटुरी धरिकी मरणातक आक्रमण करने पचे ना महिला मान आक्रमण करने को आसते जहां शुणा को मिलूसी स्थानीय अंचल बहुत दबदबा रही शासक दल सहित संपुक्ति रही कथा अंचल बे चर्चा धरती तेणु करी पुलिस विरोध में मामला रुजु करने प्रस्तुत हो नाला तो भिडियो जिते भाइराल है संपुक्त घटना संपर्क में एसपी को आम अवगत कराइल तापर बाध्य पुलिस घटना पर नजर रखी और केस टी रुजु करने को पुलिस बाध्य परमेश्वर गोटे कथा है जो भाई भाव आप कहते पुलिस कोटना कोठी एभली घटना घटी मानवा को तैयार नाला कि कोटना कोठी भिडियो जो भाइराल है पुलिस हे तो स्पष्ट है तेरे जो भिडियो भाइराल अभियुक्त पाखे पुलिस पहुंचला कि ना देखो तो वर्तमान सुधा जहाँ खबर अच्छे अभियुक्त को गिरफ्त करिवारे पुलिस का सक्षम है किंतु अभियुक्त को खूब शीघ्र गिरफ्त कि पुलिस सूचना दौर कि जिते स्थानीय लोके मंगलपुर थाना घेराउ करते से पखापाखि बार रु 18 घंटा धरिकी से थाना सामने बसि रही पुलिस घटनार सठिक तदंत करू प्रकृत जी दोषी रही धरू पुलिस एफआईआर टी बाध्य ग्रहण करने कि सब बड़ कथा होते भी पुलिस पाखक कौनसी ना कौन लोक जाती साधारण एफआईआर देवाई प्रत्यक्ष भाव में परोक्ष भाव से पुलिस बर्तमान देखु शासक दल सहित संपुक्ति अच्छी कि ना जदि अच्छी एफआईआर ग्रहण करूनी
ଯଦି ନାହିଁ ତେବେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯାହା ଏକ ଘଟଣାରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାରି ହେଉଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେବଳ ଘଟଣାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ନମ୍ବର 621 ମାମଲା ରୁଜୁ କରିକି ପୁଲିସ ଘଟଣାକୁ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ଅପରାଧୀ ଖୋଜା ଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛି। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ରହିଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା ଯେ ପୁଲିସ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅପରାଧୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ତଦନ୍ତ ଯେହେତୁ କରୁଛି ଏବଂ ଭିଡିଓଟି ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି, ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପୁଲିସକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, ଆମ ଯାଜପୁର ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଠାରୁ ଆମ ଗାଁର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଇଜ୍ଜତ ହରା ହେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସେ ଅଦର କାଷ୍ଟ ଲୋକ ହେଇକି ଆମ ଝିଅ ବୋଉ ନେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ସୋଦାସୋଦି କରିଛନ୍ତି, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଯେଉଁଟା ଅସହ୍ୟ। ତାପରେ ସେ ମାଆ ସେ ଭାଉଜ ଦୁଇ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ଯେତେବେଳେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ, ଆମେ ପାଣି ଦେଲାରୁ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ଧରିକି ତଣ୍ଟି ଚିପିକି କତାରେ ହାଣିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ଧରିଛି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ବି ଆଟାକ୍ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ ଏଇଆ ଯେ କାଲି ଆମେ ଆସିକି 4 ବେଳେ 17-18 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ପୋଲିସ କୌଣସି ଏଥିରେ ବି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଆମର ଦାବି ତାକୁ ଆରେଷ୍ଟ ହଉ, ଏଠାରୁ ତ ସେ ସେଇଆ ହିଁ କହି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ରେଜଲ୍ଟ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ସାର୍, କାଲି ରାତି ଦିନ 4 ଆସିକିନା ବସିଲୁଣି ଥାନାରେ, ଥାନାରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା କଥା, ଦିନ ଯାଇ ରାତି ଯାଇ ଫେର ସକାଳ ହେଲାଣି ଖାଲି କହୁଛୁ ଆମେ ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆରେଷ୍ଟ କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ହେଲାଣି କିଛି ଆରେଷ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କାହା ଆଶ୍ରୟ ନେଇକି ଏଇ ଦୁଇଟି ବସି ରହିବୁ ଥାନା ପାଖରେ, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ହେଲାଣି କହୁଛନ୍ତି ଆରେଷ୍ଟ, ଆମେ ଖୋଜୁଛୁ ଏଇ ଭଳିଆ କହିକି ଆମକୁ ଠକୁଛୁ। ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀଙ୍କି ନେଇକି ମୋ ଶାଶୁଶୁର ନେଇକି ଏଇନା କି ନ୍ୟାୟ ମାଗିବି? କେଉଁଠିକି ଯିବା? ଆପଣ ଟିଭି ସବୁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବସିଛନ୍ତି ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା କରିକି, କେତେ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବି? ମୁଁ କହିଲ ଦେଖିବା ଆପଣମାନେ।